बरसात के मौसम को आगमन को लेकर नगर निगम विभाग द्वारा जनता को जहां जल भराव और गंदगी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं नगर निगम के वार्ड संख्या 23 में सफाई कार्य को प्राथमिकता के साथ कराने का काम किया जा रहा है। मुरादाबाद नगर निगम की वार्ड संख्या 23 अंबेडकर नगर फाजलपुर की पार्षद पूजा रानी अपने क्षेत्र की जनता के लिए विकास की रूपरेखा तैयार कर रही हैं। तो वहीं उनके पति तुलाराम सैनी नालों की सफाई का कार्य करा रहे हैं। तुलाराम सैनी का कहना है कि जनता ने हमें विकास के लिए चुना है, तो हम अपने पूरे वार्ड में विकास को प्राथमिकता से कराने की पहल कर रहे हैं। क्षेत्र में नालियों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है। सफाई कार्य में जुटी टीम नगर निगम के वार्ड संख्या 23 के अलग अलग इलाकों में जाकर सफाई का कार्य कर रही है। उनका प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को समय से पहले मुकम्मल कर लिया जाए और बरसात के दिनों में जो नाला चौक हो जाने की समस्या सामने आती थी, उस समस्या को पैदा ही ना होने दिया जाए। विगत 2 दिनों से लगातार जेसीबी के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। विकास कार्यों को प्राथमिकता से करने का काम भी किया जाएगा। देखिए, पहले तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों को, वार्ड नंबर 23 की जनता को नमस्कार। हमारे इस वार्ड में क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती पूजा रानी जी के दिशा निर्देशन में नालों की सफाई का कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि आगामी वर्षा को देखते हुए, क्योंकि आने वाला समय अब बारिश का है, उससे पूर्व में ही जलकर विभाग को, नगर निगम को सूचना देकर वहाँ से जो भी उपकरण के द्वारा जल्द से जल्द नालों की तलहटी तक सफाई कर उनको स्वच्छ बनाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न ना हो आने वाले समय में। नालों में जो गंदगी है वो भी सफाई के द्वारा सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है, और क्षेत्रवासी से मेरा यही निवेदन अपील है कि आप भी नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर उनका सहयोग करें, उनका समर्थन करें। जो भी नाले के ऊपर स्लिप वगैरह है, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ आपने जाल वगैरह बना कर रखा है, आप उसमें सहयोग कर उनको बचाने का, हटाने का काम करें, ताकि नगर निगम कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े नाला सफाई के लिए, क्योंकि ये सब आप सबके सुविधा के लिए। आने वाले समय को देखते हुए बारिश का समय है, जल्द से जल्द इसमें सहयोग कर इसको क्रियान्वित रूप से सफल बनाने का सहयोग करें, सभी से मेरा यही निवेदन है। अच्छा, क्योंकि जैसे घरों का कूड़ा कुछ लोग नाले में डाल देते हैं, हाँ, उनसे मेरी यही अपील है, निवेदन है, आग्रह है कि घरों का कूड़ा एकत्रित एक कोने पर एकत्रित करें, ताकि क्योंकि घर घर दूर दूर कूड़े की जो वाहन है वो घर घर जा कूड़ा कलेक्ट कर रहा है, उसमें भी सहयोग करें, कूड़े को इधर उधर ना बखेरें, नाले में ना डालें, क्योंकि पानी उसमें बाधक बनता है जाने में, कूड़ा उसको नहीं निकलने देता। तो सभी क्षेत्रवासियों से मेरी यही अपील है, चाहे छोटी नाली हो बड़ा नाला हो, अपना स्वच्छ अभियान चल रहा भारत का, स्वच्छ वार्ड बनाएंगे तभी स्वच्छ शहर होगा, तभी भारत भी एक स्वच्छ बनेगा हमारा, बीमारियों से दूर रहेंगे हम।